मैं दोबारा आपके साथ हाजिर हुई हूँ कि अभी भाई की कॉल आई है, वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ दोपहर के खाने पर, तो कुकिंग सोचा मैंने कर लूँ और जो एक ट्राइफल बना लें वो मैंने आटा को कह के बना लें, तो हम फटाफट आपके साथ शेयर करते हैं कि हम ट्राइफल कैसे बनाते हैं। हाँ जी अफसा बताइए, अब आप क्या करने लगी हैं? एक के जी दूध था जिसमें से मैंने थोड़ा सा लिया, अब इसमें मैं कस्टर्ड के 4 चम्मच ऐड करूँगी। ओके तो ये आपने इसको मिक्स कर लिया जी। अब ये मैंने चीज़ें रखी हुई हैं डिफरेंट तरीके से, आप अपनी मर्जी का जैसे मर्जी फल ले लें। मैंने बनाना लिया है, सेब लिया है और ग्रेप्स, ठीक है ग्रेप्स लिया है, ठीक है ये फ्रूट्स हैं और ये बिस्किट है, ठीक है। अब हम ट्राइफल बनाएंगे मुख्तलि, अब इसकी मैं लेयर्स लगाऊंगी डिफरेंट तरीके। अब आप क्या कर रही हैं? ये मैंने हल्की आंच में रखा हुआ है, अब इसको मैं डालूंगी आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा मैं इसका फ्लेम टेस्ट कर दूँगी। तो आप क्या कर रही हैं फुसा? इसमें हमने मुसलसल चम्मच हिलाना है क्योंकि अगर नहीं लाएंगे तो फिर इसमें गिल्टियाँ बनती जाएंगी, इसलिए हम साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे। हाँ जी बताइए, बात क्या कर रही हैं? मैं इसमें चीनी डालने लगी हूँ, आप जब दूध डाल उबालते हैं उस टाइम भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। और लेकिन मैंने चीनी इसमें डाल दी है, हस्बैंड जायका है, आप जिसने तेज़ खानी है तेज़, अपनी मर्ज़ी है, वैसे 4-5 चम्मच डालते हैं इसके अंदर, और आपने इसको हिलाते जाना है। अब ये रेडी है? यस, बस थोड़ी देर और हमने इसको आंच में देना है। चलिए व्यूअर्स, अब हम इसका वेट करेंगे ठंडा होने का और फिर हम आपको इसकी लेयरिंग दिखाएंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। अब इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे ठंडा होने में। करने लगी ये देखिए, हमने कस्टर्ड बनाया था ठंडा कर लिया, अब हम ना इसको डेकोरेट करेंगे इसमें लास्ट में, ठीक है। ये अब क्या डाल रही हैं? ये रूह अफ़ज़ा है, ये ना रूह अफ़ज़ा डाल रही हैं, और मैं आपको इसकी डिटेल बताऊं कि इसमें हम स्ट्रॉबेरी सीरम यूज़ करते हैं, चॉकलेट सीरम यूज़ करते हैं, और अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो जो चीज़ घर में मौजूद है आप उसको अफोर्ड कर मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है रूह अफ़ज़ा यूज़ कर रही हैं, ये देखें ग्लास ग्लास के डेकोरेट करना है, ये डेकोरेट करने के लिए इर्द गिर्द जो है ग्लास के रूह अफ़ज़ा लगा रही हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें बिस्किट डालेंगे। ये ओरियो रखे हुए हैं इन्होंने, स्मॉल ओरियो जो कोई है भी फ्लेवर यूज़ कर, आप कोई फ्लेवर यूज़ कर लें या बिस्किट का। इसके बाद हम जेली की कोटिंग करेंगे। ओके और एक लेयर हम कस्टर्ड की डालेंगे। ओके अब इसमें हम फ्रूट्स डालेंगे। कौन सा फ्रूट डाला आपने? मैंने एप्पल यूज़ किया, ठीक। और उसके बाद आप इसमें येलो जेली डाल रही हैं, ये मैंगो फ्लेवर है जी। ये आपने एप्पल के बाद आपने बनाना की कोटिंग की है जी, और फिर हमने इसमें बनाना ऐड कर दिया, फिर हम रेड कलर की जेली डालेंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लाइट सी, फिर हम कस्टर्ड की कोटिंग करेंगे। ये देखें ये ग्लास है और इसको आपको मैं यूं शो करती हूँ, ये देखें। ये अब अफ़ज़ा दूसरे ग्लास की कोटिंग करने लगी हैं, रूह अफ़ज़ा की कोटिंग की जैसे उन्होंने बताया, और इसकी बेस में ये पहले केक प्लेन केक डालने लगी हैं, प्लेन फ्रूट केक, प्लेन केक जो होता है जैसे। और हम इसमें पहले कस्टर्ड डालेंगे।
ये चीज़ें हैं आपके पास, वैरायटी आपको एक आइडिया दिया है कि आप ट्रेडिशनली एक बाउल बनाने के बजाय आप यूँ ग्लास तैयार कर सकती हैं अगर आपके घर किसी गेस्ट ने आना है, और डिफरेंट उसकी जो लेयर्स हैं वो शो होती हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये आप देख सकती हैं, अब ये देखें एप्पल की कोटिंग, और इसमें हम अंगूर भी डालते हैं। ये देखें अब ये अंगूर को कोटिंग में भी यूज़ कर रही हैं। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। जेली 2 से 3 कलर्स की भी आप बना सकते हैं, कलर चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप रेड कलर का कस्टर्ड बना रहे हैं यानी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में कस्टर्ड बना रहे हैं तो आप जेली में ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं। तो ये कलर कम्बिनेशन आपने करने हैं। ये देखें बस कलर कम्बिनेशन करते हुए ये ज़रूर ख्याल रखें कि कलर्स जब लेयर्स में लगाएं तो एक दूसरे के कंट्रास्ट में हो ताकि वो प्रोमिनेंटली नज़र आएं। ये टॉपिंग कर रही हैं, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं ये दोनों गिलासों में हमने ट्राइफल तैयार किया है। ये ज़रा ट्रेडिशनल तरीके से हटकर है और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो व्यूवर्स ये थी हमारी आज की ट्राइफल की रेसिपी। अब मेरे भाई भाभी आने वाले हैं, मैं इसको उनके साथ एंजॉय करूंगी। और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस के लिए इंतज़ार करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।